गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो लास्ट टर्न पे हमारी क्लास थी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था पुर्तगाली भारत आए थे, यूरोपियंस का भारत में आगमन। उसमें हमने बताया था कि आपको पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे कंपनियों के हिसाब से, और अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो पहले डच आए थे। तो अंग्रेज जो भारत आए थे उसमें हम आपको, मैंने आपको एक पेंटिंग वाली कहानी सुनाई थी और ये बताया था कि जहांगीर के समय ये आए थे, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर विदेशी यात्री या अंग्रेज यात्री अगर आए हैं तो वो जहांगीर के समय पर आए हैं। ठीक है, तो एक घड़ी दी थी और एक पेंटिंग दी थी, ये वाली मैंने स्टोरी बताई हुई थी आपको, उसके आगे आज कॉन्टिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, जहांगीर ने 1608 में परमिशन ग्रांट की ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए सर, 1608 में परमिशन दी, किसको दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि वो जो है कहां पर, सूरत में अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। लेकिन सूरत में फैक्ट्री नहीं बनी, इस बात को ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री पहले कहीं और बन गई। कहां बन गई? तो फैक्ट्री बन गई मुसलीपत्तनम में। मसूलीपत्तनम में फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई, ये यहाँ पहले बनी थी परमिशन। लेकिन सबसे पहले कहाँ ग्रांट हुई थी? सूरत में। सूरत इस समय कहाँ प्रेजेंट है? गुजरात में प्रेजेंट है, और एंशियंट पीरियड से व्यापारिक गतिविधियाँ सूरत में बहुत अच्छी से हो रही, तेज़ी से हो रही। यहाँ तक शायद मैंने आपको बता दिया था, अब हम लोग जो है आगे कॉन्टिन्यू करेंगे। चलिए, 1611 में, 1611 में मिडिल्टन भारत आया। 1611 में कौन आया? मिडिल्टन आया। इसके बाद जो 1611 के बाद 1615 में सर थॉमस रो भारत आया। कौन आया? इनको देखिए, थोड़े इंपॉर्टेंट है। 1615 में सर थॉमस रो कहाँ आए? भारत आए। कहाँ से? सर थॉमस रो ब्रिटेन से भारत आए। इनको भी जो है फारसी भाषा की नॉलेज थी। किसकी थी? एक्सपर्ट थे ये, किसके? फारसी भाषा के एक्सपर्ट थे, और फारसी भाषा जो थी वो मुगलों की भाषा थी, यानी मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, अधिकारी भाषा जो थी वो फारसी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उन्हें जहांगीर से बात करने में, अपने को प्रेजेंट करने में, अपनी बात को कहने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वो समझा सकते थे बहुत अच्छे से कि जो है हम क्या करना चाहते हैं, और हम जो करना चाहते हैं उसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि जब तक जहांगीर को ये नहीं समझ में आता कि इसमें जो ये कह रहे हैं उसमें मेरा फ़ायदा है, तब तक वो इनको क्यों परमिशन ग्रांट करेगा। तो थॉमस रो जब आए तो उनका क्या कहना था उसको समझिए। थॉमस रो जो भारत का हिस्सा है, भारत का जो हिस्सा है, थॉमस रो जो है उस हिस्से में क्या करना चाह रहे थे उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सूरत है, सूरत में तो परमिशन ग्रांट हो चुकी है कि आप जो है कंपनी खोल सकते हैं, ये पहले ही हो गई है। और ये किसने दिला दी थी? ये हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस ने दिला दी थी। अब बात आते हैं, सर थॉमस रो ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जितना भी मुगल अंपायर है उनके यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर हम काम कर सकते हैं वो सारी इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर मेरे को फैक्ट्रियाँ खोलने की अनुमति मिल जाए, ये वो चाहते हैं। तो एक एक करके ये अनुमति मिलना शुरू होती है, ये हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। सबसे पहले कैसे मिलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? एक्चुअली एक बात और आती है, आप समझना, चाहे सर थॉमस रो आ रहे हों, चाहे कैप्टन हॉकिंस आ रहे हों, या और लोग आए, ये क्यों काम कर रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो एक्चुअली है क्या, इस बात को समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 200, ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने? 200 शेयर होल्डर थे। कितने थे?
200 शेयर होल्डर थे। रानी जो एलिजाबेथ थी वो भी इसकी शेयर होल्डर थी। तो इतने सारे शेयर होल्डर होने की वजह से हर कोई ये चाह रहा है कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करे, बहुत तेजी से ऊपर जाए, इस कंपनी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब सर थॉमस रो आए तो उन्होंने कैसे काम शुरू किया उसको हम एक एक करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने 1633 में उड़ीसा, 1633 में बालासोर, ये कहाँ पड़ता है इस समय, उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उड़ीसा में यहाँ पर एक परमिशन इनको ग्रांट हुई कंपनी खोलने के लिए 1633 में उड़ीसा में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ उसको एक एक करके समझिए। 1639 में मद्रास में, ठीक है, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया मद्रास में। 1639 में मद्रास में इन्होंने अपना क्या बनाया, HQ हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, मद्रास में था, जो इन्होंने 1639 में बनाकर तैयार किया। यानी इनकी कंपनी अब कहाँ कहाँ हो गई, सूरत हो गया, मद्रास हो गया, बालासोर हो गया। इसके बाद तुरंत 1659 में हुगली में, 1600 ये कलकत्ता के पास पड़ता है, 1651 में हुगली एक जगह है, आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है हुगली में, इनको परमिशन ग्रांट हो गई किस बात के लिए कि इनको क्या मिलेगा, वहाँ पर भी ये अपनी कंपनी खोल सकते हैं हुगली में, ठीक है। फिर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है वो आपको मैं बता दूँ, कलकत्ता का नाम भी उसी के नाम पर पड़ा है। तीन गांव थे बड़े बड़े, तीन प्लेसेस थी, सूतानाटी पहले प्लेस का नाम था सूतानाटी, दूसरे प्लेस का नाम था कालीकाता और अगले का नाम था गोविंदपुरी। इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बनता है और यहाँ पर भी जो है इनको परमिशन ग्रांट हो गई, कहाँ पर, कलकत्ता में, कि ये यहाँ पर भी जो है क्या कर सकते हैं, कलकत्ता, कि यहाँ पर भी ये अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने हर जगह अपनी फैक्ट्री खोल ली। अब बात आती है बम्बई, तो एक स्टोरी आपको याद होगा, ये है मुंबई, छोटा सा टुकड़ा था बम्बई, ये क्या है जरा इसको समझना। जब अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में रिश्ते बनते हैं, यानी पुर्तगालियों की बेटी अंग्रेजों के बेटों के साथ जब शादी होती है बेटे के साथ, तो वो क्या करते हैं, जो राजकुमारी होती है, कैथरीन नाम है शायद उसकी, जब शादी होती है तो वो बम्बई, जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, वो किसको दे देते हैं, वो अंग्रेजों को दे देते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्जा है, या वहाँ पर भी उनकी कंपनी खुल जाती है, ठीक है, कैथरीन के साथ जब शादी होती है तब ये कंपनी जो खुलती है, ये 1664 में, यानी 1664 में बम्बई पर भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। इस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ये सारे व्यापारिक केंद्र हैं, इस बात को समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये सभी क्या हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लिया करो भाई, ये सभी व्यापारिक केंद्र हैं। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, खैर अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं प्लीज़। तो इस प्रकार से ये सारे जो है व्यापारिक केंद्र खुल के तैयार हो जाते हैं, किसके, सबसे पहले सूरत में 1608 में, देन उसके बाद क्या हो जाता है, देन उसके बाद 1633 में बालासोर, फिर मद्रास, फिर कलकत्ता हुगली, फिर कलकत्ता में, और सबसे बाद में 1664 में कहाँ पर, इस प्रकार सभी जगहों पर हो जाता है। एक जगह और छूट गई है 1611 में, मुसलीपत्तनम, 1611 में मसूलीपत्तनम में भी जो है क्या हो जाता है, इस सारे के सारे व्यापारिक केंद्र खुल जाते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देन उसके बाद एक चीज है दस्तक, उसको और समझ लीजिए। 1717 में फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार करने के लिए एक परमिशन ग्रांट की, इस परमिशन को बोलते हैं दस्तक, इसको समझो, इसको थोड़ा सा हट साफ करते हैं।
देखिए, एक शब्द है दस्तक, ये क्या है? तो दस्तक एक परमिशन है जो ग्रांट होती है, कब? 1717 में, 1717 में ये परमिशन ग्रांट होती है, एडी में, 1717 एडी में। प्लीज हमको आप सुन पा रहे हैं तो जरा बता दें, प्लीज सुन पा रहे हैं? ऐसे कर दीजिए अगर सुन पा रहे हैं, और कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? जब तक आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हम आपको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो 1717 में फर्रुख सियर एक व्यक्ति है, एक राजा है फर्रुख सियर, वो 1770 में दस्तक के लिए, दस्तक ग्रांट करते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं। क्या परमिशन ग्रांट करते हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत दमदार कंपनी है जिसने भारत में सबसे ज़्यादा समय तक टिकी और सबसे ज़्यादा व्यापार किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार करने के लिए एक परमिशन देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको दस्तक बताया, दस्तक में फर्रुख सियर के द्वारा परमिशन ग्रांट हो गई थी कि अंग्रेज कहीं भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। आप आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट जो है, आने वाले जो लोग थे वो कौन थे? तो नेक्स्ट 1595 में डच आए, 1595 में डच, 1595 में इंडिया में आए। जो डच है ये कौन है इनको समझिए भाई। डच आए आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कहां से आए थे, क्यों आए थे, तब तक कैसे हो पाएगा? तो जब डच इंडिया में आए तो ये कहां से आए? डच जो थे ये आए थे हॉलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड जो है वहां के लोगों को क्या बोलते हैं? डच। तो डच हॉलैंड और नीदरलैंड से भारत में आए 1595 में। अब यहां पर गौर करते हैं, अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो नंबर टू पर डच आए, लेकिन अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो कब आए हैं? तो वो आए हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज और फिर डच आए, और अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो नंबर दो पर डच आए फिर अंग्रेज। इस बात को बहुत ध्यान रखना, दोनों को थोड़ा संबंध है। डच यात्री जो सबसे पहले आया वो कौन था? कर्नेलिस डी हाउपमैन आया। सबसे पहले कौन आया? कर्नेलिस डी हाउपमैन भारत में सबसे पहले आया, तो पहला डच यात्री। 1602 में डच संसद ने, डच संसद I-95 देखिए फिर वो चीज शुरू हुई, और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है इसको देखिए। डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी जो है इसकी स्थापना होती है 1602 में, 1602 में। ये कहां होती है? ये डच पार्लियामेंट में होती है। तो डच पार्लियामेंट में ये बनकर तैयार होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इस कंपनी की स्टेटेंसी कैसी है? ये सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनी है वो सभी क्या है? सरकारी कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ब्रिटेन से आ रही है और जो प्राइवेट कंपनी है, तो ये भी सरकारी कंपनी है 1602 में, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1601 में भारत में आ चुकी है। इस बात को गौर करिए, इसीलिए मैंने कहा कंपनी के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर काम के हिसाब से देखेंगे तो वो नंबर दो पर है, लेकिन अगर टाइम के पहले कौन आया फिर कौन आया तो नंबर दो पर कौन आए? डच भारत में आए हैं, इस बात को गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1602 में आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ये कहां बन रही है? ये वहां की पार्लियामेंट में बन रही है, और ये एक सरकारी कंपनी है, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देन उसके बाद क्या है, इसका जो रियल नाम है वो क्या है? इस जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी मुख्य रुचि क्या है, पहले इसको समझिए। जैसे सारी कंपनियां जो आई उनकी जो मेन फोकस था वो इंडिया में, लेकिन जो इसका
इसका मेन फोकस था वो कहां था, इसका मेन फोकस था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसका जो मेन फोकस था वो इंडोनेशिया में था, क्योंकि जिन मसालों के लिए भारत में आए थे वो इनको इंडोनेशिया से मिल रहे थे प्रॉपर्ली। इसलिए डचों ने जो भारत में अपना मेन फोकस किया वो किस व्यापार पर किया, इसको समझिएगा, इंडोनेशिया पर उनका बहुत मेन फोकस था। और भारत में इनका जो फोकस था वो किस पर था, वो था कॉटन, वो कॉटन इस पर था कॉटन, यानी सूती वस्त्र पर इनका क्या था प्रॉपरली पूरा फोकस था। कहां पर पूरा फोकस था, कॉटन पे, कहां पर, भारत के अंदर, क्योंकि इनका जो है मसालों की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हो रही थी, वो इतनी पूरी हो रही थी कहां से, इंडोनेशिया से। इस बात को समझिए, बहुत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाई, पहली फैक्ट्री कहां बनाई उसको पूछा जाता है, तो पहली फैक्ट्री 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई, जब 1605 में डचों की पहली फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इनका जो मुख्यालय है, अगर पूछा जाए डचों का मुख्यालय कहाँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अंग्रेजों का पहले मुख्यालय कहाँ था, पहले मद्रास में था, बाद में मुख्यालय उन्होंने वहाँ ट्रांसफर कर लिया, तो वो उन्होंने यहाँ कर लिया कलकत्ता में कर लिया, ठीक है। बाद में भारत में तक की चार प्रेसिडेंसी बन जाती है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और यूपी में एक बनती है जिसका नाम जो मिड में बनती है जिसका नाम है आपका आगरा, चार प्रेसिडेंसी बन जाती है। लेकिन फिलहाल उनका पहला हेडक्वार्टर था चेन्नई में, बाद में चला गया था कलकत्ता। तो इनका पहला हेडक्वार्टर कहाँ मिल रहा है, तो डचों का जो हेडक्वार्टर है HQ हेडक्वार्टर वो कहाँ बनता है, वो बनता है नागपट्टनम में इनका हेडक्वार्टर बनकर तैयार होता है, नागपट्टनम, समझ गए। तो नागपट्टनम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डचों ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, नागपट्टनम में बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉटन पर इन्होंने बल दिया, कॉटन पे इन्होंने यहाँ पर काम करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। अच्छा, डच इंडिया में फेल क्यों हुए, तो डच इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए, इसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि दोनों लगभग पैरेलल आ रही है, पैरेलल काम कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये बिल्कुल कॉम्पीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडिया में फेल हो गए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को हराया है, कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को कहां पर हराया, किस युद्ध में हराया, कब हराया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब हराया, किस युद्ध में हराया। तो ध्यान रखिए, डचों ने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईआईसी ने डचों को, ईआईसी ने डचों को बेदरा के युद्ध में, बेदारा के युद्ध में, ध्यान रखिएगा, हराया, कहां के युद्ध में हराया, बेदारा के युद्ध में हराया, ठीक है। फिर समझ लो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को कहां के युद्ध में हराया, बेदारा के युद्ध में हराया। ये युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1759 में, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए डचों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहां पर थी, तो डचों की सबसे बड़ी कॉलोनी जो थी वो इंडोनेशिया में थी। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, सबसे पहले डच भारत कब आए, 1595 में आए। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बनाया, 1602 में बनाया,
ठीक है, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, नागपट्टनम में बनाया। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, मासुलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री थी। इन्होंने भारत में किस चीज के व्यापार के लिए फोकस किया, कॉटन के व्यापार के लिए फोकस किया, क्योंकि इनका इस इलाके में इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ थी, तो एशिया में सबसे बड़ी जो कॉलोनी थी वो इंडोनेशिया थी, और वहां से इनको प्रॉपरली मसाले मिल जाते थे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, नागपट्टनम में था। डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ युद्ध हुआ, बेदारा का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1759 में हुआ। इसमें कौन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। कौन हारा, डच हारे। इस तरीके से आप पूरा इसके बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये थे डच, अगर टाइम के हिसाब से ना देखे तो ये तीसरे नंबर भारत में आए थे, इनका काम भारत में जो शुरू हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद कौन आया है उसको समझो। उसके बाद आएंगे फ्रेंच। फ्रेंच मतलब फ्रांस के, इसको समझो, फ्रेंच जो भारत में आए थे, फ्रांस के लोग जो है ये सबसे लेट आए, समझो। फ्रेंच कौन सी कंपनी आ रही है, फ्रेंच भारत में थोड़ा ऊंचा ज्यादा रहा जाता है, ये कब आ रहा था, ये 1664 में इंडिया आया है। फ्रेंच भारत में 1664 में आ रहे हैं सबसे लेट। ये भी भारत में किस लिए आ रहे हैं, ये भी भारत में मसालों के लिए आ रहे हैं। ध्यान रखिए विश्व में सबसे ज्यादा मसाला जो है वो इंडिया के नीचे का जो हिस्सा है, हिंद महासागर का जो कोस्टल एरिया है सीधा सीधा, यानी कहा जापान, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, क्या नाम है अफगान, इसमें भारत के निचले हिस्से में केरला और जो है जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इन इलाकों में भी सबसे ज्यादा मसाला पैदा होता है। हम लोग एक चीज खाते हैं ड्राई फ्रूट्स के रूप में, जिसको बोलते हैं काजू, उसकी एक मिठाई बनती है काजू कदली, वो बड़ी लोगों को पसंद होती है। एक्चुअली काजू जो है वो कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है, काजू जो है मसाला है। काजू की ग्रेवी बनती है, और काजू कहाँ पैदा होता है, ये जो नीचे का जो समुद्र का कोस्टल एरिया है यहाँ पर पैदा होता है। भारत में सबसे ज्यादा काजू जो है वो आपका केरला में पैदा होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए, मसालों के लिए, जावित्री हो गई, दालचीनी हो गई, पीपर हो गई, इन सब के लिए जो है मांग थी, और ये सारे लोग इंडिया में आए, ठीक है। तो जो फ्रेंच कंपनी है वो उसकी क्या है, सिस्टम क्या है, फ्रेंच राजा जो है उनका एक मंत्री, फ्रेंच राजा का जो मंत्री है उस मंत्री का नाम है कोलबर्ट। क्या नाम है, कोलबर्ट, नाम है कोलबर्ट। कोलबर्ट जो है वो एक इस कंपनी की स्थापना करता है, किसकी स्थापना करता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन करता है, कोलबर्ट करता है। ये वहां के राजा का क्या है, एक मिनिस्टर है, ये इसकी स्थापना करता है। तो जब राजा का मिनिस्टर स्थापना करेगा तो ये कंपनी कैसी होगी, ये कंपनी होगी सरकारी कंपनी होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये कंपनी भी कैसी हो गई, सरकारी कंपनी हो गई, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कैसी कंपनी है, सरकारी कंपनी। अब बात आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है, ओरिजिनल नेम वो क्या है, क्योंकि वहां तो कोई ईस्ट इंडिया होगी, ये तो बनाई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो उसका नाम है इंडसे ओरिएंट। इसका क्या नाम है, इस कंपनी का जो कहा तो मदर नेम है, मदर नेम, जो मदर नेम है वो क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मदर नेम। फिर से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मदर नेम जो है वो है इंडसे, इंडिया से याद रखना, इंडसे मदर नेम हो गया, इंडसे ओरिएंट, ठीक है। तो इसका मदर नेम है इंडसे, इंडसे ओरिएंट, इंडसे ओरिएंट इसका क्या नाम है, इसका मदर नेम है। ये कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1664 में फ्रेंच के राजा के एक मंत्री कोलबर्ट के द्वारा बनाई गई सरकारी कंपनी और भारत में आ गई, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। दुनिया में
दुनिया में दो बड़ी शक्तियां थी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इस बात को ध्यान रखना आज भी। तो ये कंपनी दोनों ब्रिटेन पहले से आ चुकी, ये भी बात ध्यान रखनी है। इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो 1668 में सूरत में बनी थी। तो पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कहां बनती है इनकी, ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री जो इनकी बनती है वो सूरत में बनती है। कहां बनती है? सूरत। और कब बनती है? 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री कहां बनती है? सूरत में बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्योंकि फ्रेंच 4 साल बाद जब आते हैं उसके 4 साल बाद में आती है, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री कब बनती है? 1869, बहुत तेजी से काम होगा। सेकेंड जो है, दूसरी जो बनती है वो कहां बनती है ये बताइए। ये बनती है 1669 में दूसरी फैक्ट्री जो है वो बनती है मस, जहां सबकी बनी मसूली पर। कहां बनती है? मसूली पत्तन में ही दूसरी फैक्ट्री बन जाती है 1669, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फैक्ट्रियां। इसके बाद ये अपना मुख्यालय कहां बनाते हैं, ये बार बार पूछा जाता है, इनका हेडक्वार्टर कहां है? तो सर इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका हेडक्वार्टर ये कहां पर है? ये इनका हेडक्वार्टर है पांडिचेरी। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? पांडिचेरी में ये अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है, वो पांडिचेरी में, ठीक है। यहीं पर ये अपना एक किला बनाते हैं, इस किले का नाम है फोर्ट लुई। यहां पर किला बनता है, उस किले का नाम जो ये बनाते हैं उसका नाम है फोर्ट लुई, ठीक। अगर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का असली फाउंडर कौन था, रियल फाउंडर कौन था? तो जो रियल फाउंडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था डुप्ले। डुप्ले ये क्या कहता था? रियल फाउंडर था इसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये आपके चार लोग भारत में आते हैं, कौन कौन आते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पहले सबसे पहले नंबर दो पर कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। नंबर तीन पर कौन आते हैं? डच आते हैं। और नंबर चार पर कौन आते हैं? फ्रेंच आते हैं। इस तरीके से भारत में आते हैं यूरोप के लोग, और भारत में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार का जो उनका मेन फोकस होता है वो मसालों पर, ठीक है। और ये तीन कंपनियां, इसमें से एक बहुत सक्सेस होती है और तीन कंपनियां फेल होती है। तो जो सक्सेस होती है उसका जो करेक्टर है वो क्या है? वो एक प्राइवेट कंपनी है। जो फेल हो रही है वो क्या है? सरकारी कंपनी, तीनों की, ठीक है। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने आप को पूरे भारत में फैलाया, पहले वो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, इस बात को समझना। उनका जो मेन मोटो था, जो मेन फोकस था, वो यहाँ पर ट्रेडिंग पर था, व्यापार था। लेकिन बाद में वो क्या करने लगे? बाद में वो यहाँ पर उन्होंने बसना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जो है रिहायशियों को जीतना शुरू कर दिया, यहाँ पर उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, कैसे सोचा, उसके पीछे एक बड़ा कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब व्यापार भारत में बहुत बढ़ गया, तो उनके मन में एक बात ये आई कि हम पैसा बाहर से लाकर यहाँ पर चीजों को खरीदते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम वहां से इम्पोर्ट करके चीजों को यहाँ लाएं, क्योंकि हम बहुत बड़ा बाजार कर लेते हैं, वहां पर इन चीजों को बेचें, उससे प्रॉफिट कमाएं। दूसरा, जितना भी हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल बना के तैयार करके जो सामान बाहर ले जाना है उसके लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा हम इंडिया से ही जनरेट करें। मतलब मैं अपने यहाँ से वो पैसा ना लाकर उस पैसे को कहाँ से जनरेट करूँ? इंडिया से जनरेट करूँ। ये बात, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। इस तरीके से सारी कंपनियां आती हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थोड़ी सी बदलती है और प्राइवेट कंपनी होती है, और वो बराबर जो है तरक्की करती चली जाती है, और पूरे देश पर उनका एक वक्त आता है, कब्जा हो जाता है, ठीक है। पुर्तगालियों ने, अब इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं, वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। पुर्तगालियों ने नई नई जगहों की खोज की, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ किन लोगों ने नई नई जगहों की खोज की, तो पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा नई नई जगहों की खोज की, ठीक है। कोलंबस ने स्पेन की, स्पेन, ठीक है, अमेरिका की खोज की, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आया,
1498 में, ठीक है, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो उसने जो है कोलंबस ने कहां की खोज करी, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा दो बार भारत आया, कितनी बार भारत आया, दो बार आया। उसको जो है जो फायदा हुआ था वास्को डी गामा को, जब इंडिया से सामान लेकर गया था तो उसको सारा खर्चा निकालने के बाद 60 times पर मैं समझते हैं 100% प्रॉफिट होता है, और उसको 60 times से दूंगा यानी 6000%, ये कितना हो गया 6000%, उसको क्या हुआ प्रॉफिट, इतना उसको प्रॉफिट होता, ठीक है। और ऑटोमन तुर्कों ने 1453 में रोमन पुर्तगालियों पर क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। ये पूरे क्वेश्चन जो बीच में और आए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के नए टॉपिक पर आएंगे। जो आज का टॉपिक है वो क्या है उसको समझने की कोशिश करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छे से समझो, बढ़िया मन लगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था, क्या है टॉपिक उसको समझने की कोशिश करिए। अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था यानी भारत में जो इंग्लिश अंग्रेज आए उनके समय जो यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो कैसा था क्या था, तो उस पर पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी दिक्कत भी है। जब अंग्रेज 1600 में 1601 ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई है वो 1599 में, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, लेकिन उसको अभी परमिशन नहीं मिली है यानी उसको अभी रॉयल ऑर्डर नहीं मिला है कि आप कहीं पर जाकर काम करो। सर ठीक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बात आती है कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1600 में उनको एक रॉयल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर मिला यानी नानी ने उनको आदेश दिया, परमिशन ग्रांट कर दी कि आप ईस्ट में जाकर यानी इंडिया पाकिस्तान ईरान इराक कुवैत बहरीन तहरीन इंडोनेशिया मलेशिया यानी इधर पूरे में कहीं भी जाकर आप क्या कर सकते हैं व्यापार कर सकते हैं, ये क्या दे दिया प्रोवाइड कर दिया। और 1601 में ये कंपनी कहां आ गई, अराइव टू इंडिया, ये भारत में क्या कर गई, अराइव कर गई आ गई, इसका इंडिया में क्या हो गया अराइवल हो गया। अब ये इंडिया में आई है इसको थोड़ा सा स्टोरी कराया तो बता, तो ये इंडिया में क्या कर गई अराइव कर गई, ठीक है। आप देखिए जब ये भारत आते हैं तो 1600 से अपना सिर्फ और सिर्फ एक इनका मोटो है जो मेन फोकस है वो किस पर है, वो इनका ट्रेडिंग पर है, व्यापार पर है। और ये यहाँ पर मसालों का व्यापार क्या करते हैं शुरू करते हैं 1608 में, इनको पहली बार जहांगीर के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने का क्या मिल जाता है, इनको परमिशन मिल जाती है और ये 1608 में वहां पर फैक्ट्री खोलने का परमिशन पाते हैं, लेकिन पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में ये अपनी खोल देते हैं, ठीक। फिर इसके आगे पूरे भारत में धीरे धीरे करके थॉमस मोर के द्वारा अपनी फैक्ट्रियां खोलते हैं, यहाँ तक हम लोग आपको पूरे अच्छे से बता भी चुके हैं और चीजों को हम पूरा समझा भी चुके हैं। जब ये भारत में आते हैं और व्यापार करना शुरू करते हैं तो मई है 1757 में इनको क्या मिल जाता है, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल जाता है, कहाँ का बंगाल बिहार उड़ीसा का, यानी पहली बार इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है क्या मिल जाता है राइट्स मिल जाता है, ठीक है। और दस्तक के द्वारा इनको मुफ्त व्यापार करने का एक वो मिल जाता है, कितना व्यापार मुफ्त में कर सकते हैं इनको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बहुत कम पैसा इनको सिंगल टाइम जमा करना पड़ता है, ये है पूरा फंडामेंटल सिस्टम। अब हम लोग धीरे धीरे करके एक चीज को क्लियर करेंगे। तो जो मेन जो है अंग्रेजों के समय भू राजस्व व्यवस्था में
तीन चीजें हैं। पहली है स्थाई बंदोबस्त, इसी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है परमानेंट सेटलमेंट का जमींदारी व्यवस्था। समझ समझ सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, एक एक नंबर वन परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, स्थाई बंदोबस्त, इसी का दूसरा नाम है जमींदारी। जमींदारी व्यवस्था, ठीक व्यवस्था। सेकेंड नंबर पे जो है इसी का नाम है परमानेंट सेटलमेंट, इसी का नाम है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा जो व्यवस्था है वो कौन सी है, पहली हो गई जमींदारी, दूसरी हो गई रैयत वाली व्यवस्था, कौन सी हो गई, रैयत वाली व्यवस्था, ठीक है, सेकेंड नंबर पे है रैयत वाली व्यवस्था। तीसरे नंबर पे जो व्यवस्था है वो कौन सी होगी, जरा इसको समझने की कोशिश करिए, तीसरे नंबर पे जो व्यवस्था है वो हो गई नहर वाली व्यवस्था, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, जो पहली व्यवस्था है जिसका नाम है जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, तो जो परमानेंट सेटलमेंट है, एक सेकंड बच्चों को जरा देख लो कौन कौन जुड़े हुए हैं, ठीक, तो जो परमानेंट सेटलमेंट है बेटा वो क्या है, उसी का दूसरा नाम है, स्थाई बंदोबस्त का ही दूसरा नाम है, वो है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारों के बारे में अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो अभी से लेके बचपन से लेके अभी तक आपने जमींदारों की बात सुनी होगी कि मेरे परिवार के जो वहाँ के जमींदार थे, तो वहाँ के रहने वाले थे, उनके पास इतने बिस्वा की जमींदारी थी, इतने बिस्वा की जमींदारी थी, ये शब्द आपने सुने। तो जमींदारी व्यवस्था क्या है उसको समझिए, सबसे पहले इनके जो बेसिक्स हैं, जमींदारी व्यवस्था कितने परसेंट पर, ये 19% पर, यानी ब्रिटिश इंडिया, क्या हुआ करिए, ब्रिटिश इंडिया के 19% पार्ट पर जमींदारी व्यवस्था थी, कितने पर 19%, कहां कहां थी, तो ये बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा में थी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी बनारस तक, कहां तक थी, बनारस तक ये फैली हुई थी, इसका नाम था जमींदारी व्यवस्था, यानी बनारस जिस इलाके जहां जहां तक लगता था वहां तक ये व्यवस्था फैली हुई थी, और ये जो एरिया था ये पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, यानी पूरे ब्रिटिश इंडिया का 19% था, ठीक है। दूसरी जो है ये है रैयत वाली व्यवस्था, इसे आएंगे समझाएंगे, ये जो है ये 51% पार्ट पर फैली हुई थी, कितने परसेंट पार्ट पर फैली हुई थी, 51% पार्ट पर फैली हुई थी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के इंग्लिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी थी, तो सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी थी, वो थी आपकी 51% एरिया पर ब्रिटिश इंडिया पर फैली हुई थी, वो थी रैयत वाड़ी व्यवस्था, ये रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है सेकंड नंबर पर है, ठीक, ध्यान रखिएगा 51% बात कर। ये टैक्स कहां कहां से वसूला जाता था, तो ये जो टैक्स वसूला जाता था उसको समझने की कोशिश करिएगा, ये टैक्स जो है 51% भार पर वसूला जाता था, और ये बॉम्बे, मद्रास, सिंध, बरा, इन एरिया से ये टैक्स जो है वसूला जाता था, सबसे बड़ा वो था एरिया का जहां से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो और तीसरी व्यवस्था कौन सी थी, वो थी महल वाली व्यवस्था, ये टैक्सेशन का सिस्टम था, तो ये कितना 13% एरिया बचा सर, 51-19, यानी ये जो हुआ 30% एरिया से ये वाला टैक्स वसूला जाता था, कौन सा, महल वाली टैक्स जो है वो 30% एरिया से वसूला जाता था, इनमें 2-3-4-5-6 विलेजेस को मिलाकर एक महल बनाया जाता था, उसमें एक मेन आदमी बना दिया जाता था और वहां से वो टैक्स कलेक्ट करके उनको देता था। अब हम लोग उनके इंटरनल पार्ट पर आते हैं, जो चीजें पूछी जाती है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट,
स्थायी बंदोबस्त एक एक करके सुनो। तो सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं। पहली है चंडीगढ़। जमींदारी क्या है? तो इसके एक एक पॉइंट को समझे। पहला पॉइंट जो इसका है, ये 19% लैंड, 19% लैंड एरिया, 19% लैंड एरिया से वसूला जाने वाला टैक्स, या 19% ब्रिटिश इंडिया से वसूला जाने वाला टैक्स कौन सा है? वो है आपके कौन सा परमानेंट सेटलमेंट, यानी जमींदारी। इसका सिस्टम क्या है? इसमें क्या होता था? सबसे पहले एक राजा होता था। ये कौन है? ये किंग। ये क्या है? ये किंग, राजा, या इसको ऐसे नहीं देखा है। ये जो है, ये कौन है? ये है अंग्रेज। इनके बीच में एक व्यक्ति होता है, इसको बोलते हैं जमींदार, जमींदार, ठीक है। और इसके बाद कौन है? इसके बाद ये सारी क्या है? ये है पब्लिक, किसान, किसान। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये व्यवस्था क्या है और ये अंग्रेजों ने क्यों बनाई? भाई कोई चीज बनाने के कुछ कारण भी नहीं होते होंगे, ऐसे ही कोई चीज बनती नहीं है। भूख लगती तभी खाना बनता है, ठीक है। जरूरत होती तो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारी नीड है। अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे काम चलेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमारे देश में तो उस फील्ड में सिलेक्शन होता नहीं है। हम लोग तो पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, रिटर्न निकलेगा, इंटरव्यू में तब तक सिलेक्शन होगा, यानी हमें काबिलियत होगी, ये चेक किया जाता है किसके थ्रू? पढ़ाई के थ्रू, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो जब नींद होगी तब आपको काम करेंगे, भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, नींद है हमारा मुझे। अब यहाँ क्या था? सबसे पहले कंपनी की, अंग्रेज कंपनी जिसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज शुरू हुई। ये बीच में एक लोग है जिनको बोलते थे मिडिल मैन। ये कौन है? मिडिल मैन, ये है मिडिल मैन, इसको बोलते थे जमींदार, जमींदारी व्यवस्था। और ये टैक्स होता था जैसे किसान, ठीक, किसान। अब है क्या इसको लेने की कोशिश करिए, ये व्यवस्था क्यों लाई थी? भारत एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी और इतने बड़े एरिया से एक एक किसान से टैक्स वसूलना इतना आसान नहीं था। अगर हम एक एक जगह पर जाकर टैक्स वसूलेंगे तो उसके लिए हमको बहुत सारी मैन पावर चाहिए थी, यानी एक बहुत बड़ी मैन पावर हम किसमें लगा देंगे? इतनी बड़ी मैन पावर हम टैक्स वसूलने में लगाएंगे, अगर सोच के देखिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इतनी मैन पावर कहाँ से आएगी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट लोग तो हर जगह से पैसा बचाने और निकालने और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर प्राइवेट कंपनी सोचती है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब हुआ क्या? अंग्रेजों ने एक राइट्स दिए, एक अधिकार दिए इनको, जमींदारों अलग अलग एरिया में, एक सर्टेन एरिया में उन्होंने एक व्यक्ति को क्या बनाया? जमींदार। अब इसके पास उस इलाके की सारा लैंड इसके पास होता था, उस जमींदार के पास उसका पूरा लैंड बैंक है इकट्ठा। और जमींदारों ने क्या किया? छोटे 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 बहुत सारे किसानों को वो जमीन बांट दी, किसी ने जिसने कम दी कम दे दी, जिसने ज्यादा दी ज्यादा दे दी, इस तरीके से पूरी जमीन बांट दी। और जो जमीन बट गई उनसे टैक्स कौन वसूल करता था? ये खुद वसूल करते थे, यानी किसानों से टैक्स कौन लेता था? जमींदार लेता। और उस टैक्स को कहां पर भेजता था? उस टैक्स को कहां पर देता था? उस टैक्स को देता था किसको? कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो टैक्स ये क्या करता था? देता था। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, किसको देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को वो पूरा टैक्स देता था, ठीक है। अब होता क्या? ये है बजट, ठीक है। अब कैसे देता था, क्या करता, कितना टैक्स वसूल करता था, हिसाब क्या कहते हैं, कहां कहां पर व्यवस्था,
तो जो जमींदारी व्यवस्था थी ये नंबर दो बंगाल बिहार उड़ीसा अच्छे से आप पढ़ सकते हैं पूर्वी भाग के सारे उड़ीसा और एक और जगह है जो बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार से टच करती है बॉर्डर पर बिहार का वो है आपका क्या बनारस। यहां तक ये व्यवस्था पूरी थी जिसको हम लोग बोलते थे जमींदारी व्यवस्था। इसमें जो टैक्स दिया जाता था वो कितना दिया जाता था इसमें जो टैक्स था वो था जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उस टैक्स को दो भागों में बांटा जाता था। कितना टैक्स दिया जाता था ध्यान रखिए जो टैक्स दिया जाता था वो था 1/11 प्लस 10/11 तो जो टैक्स है उसको फिर से समझिएगा यानी कि 1/11 का मतलब 11.11% और इसका मतलब क्या हुआ इसका नाम मतलब हो गया लगभग 11% और ये हो गया 89%। तो जो 10/11% ये जो हिस्सा था ये मिलता था किसको ये मिलता था अंग्रेज यानी कंपनी को दिया जाता था। जितना टैक्स ले रहे हैं उस टैक्स का कितना 10/11% हम किसको दे रहे हैं अंग्रेजों को दे रहे हैं यानी जमींदार इतनी मेहनत करके जितना भी टैक्स वसूलते थे उस टैक्स का 89% पार्ट समझिए किसको दे देते थे वो कंपनी को दे देते थे कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे अंग्रेजों को और 11% हिस्सा ये है ये किसका हो रहा था ये जमींदारों का होता जमींदारों का ये हिस्सा होता ये है बेसिक चीज यानी इतना परसेंट हिस्सा जमींदारों का होता। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है भाई इसको समझिएगा जो इसमें प्रॉब्लम है वो थोड़ी बड़ी है। सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें एक और है उसको आगे बढ़ते हैं इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि जो जमींदार कौन होगा नेक्स्ट अगले जमींदार कौन होंगे तो जमींदारी जो होगी वो हेरिडिटरी होगी यानी वंशानुगत होगी क्या होगी जमींदारी वंशानुगत होगी जमींदारी कैसी होगी वंशानुगत होगी इस प्रॉब्लम को समझ के यानी जमींदार का बेटा जमींदार होगा जमींदार का बेटा जमींदार होगा जमींदारी को जमींदार जो होंगे जमींदार उनको क्या क्या अधिकार होंगे जमींदारों को अधिकार होंगे के अधिकार जमींदारों के क्या क्या अधिकार होंगे उसको समझिए तो जो इनको अधिकार होंगे सबसे पहले समझना नंबर वन जमीन खरीदने बेचने का बेचने का जमीन खरीदने बेचने का नंबर दो किराए का देने का किराए पर देने का जमीन खरीदने बेचने का किराए पर देने का छोटे 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 हिस्सों में बांटकर दूसरे सब जमींदारों को दे देना यानी इस तरह की वो है इनको क्या होंगे राइट्स ये राइट्स आखिर इन्होंने अंग्रेजों ने जमींदारों को क्यों दिए तो ये राइट्स अंग्रेजों ने जमींदारों को लॉयल बनाने के लिए दिए कि उनकी लॉयल्टी हमारे प्रति हो वो हमारे प्रति क्या हो लॉयल हो वो हमारे साथ कभी भी चीट ना करे और वो बात देखने को भी मिलता है वो जब 1857 में देखने को मिलता है कि अंग्रेजों की जब प्रॉब्लम आती है तो सारे जमींदार अंग्रेजों का साथ देते हैं यानी वो इंडियंस का साथ नहीं देते वो सक्सेसफुल भी होते हैं तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है जमींदार लॉयल हो जाते हैं उनको जमीन खरीदने बेचने का किराए पर देने का और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं लोगों को
को, तो ये अधिकार जो है किसको दिए जाते हैं, जमींदारों को दिए जाते हैं। जमींदार टैक्स वसूल करते हैं और टैक्स वसूल करने के बाद उसका 10/11 पार्ट कंपनी को देते हैं और 1/11 पार्ट हम अपने पास रखते हैं। ये है बेसिक। और चीजें क्या है इसको हम थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, वो क्या है जमींदारी प्रॉब्लम में, भाई अगर सब कुछ ठीक था तो फिर बाद में इसको चैलेंज क्यों किया, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया छोड़ के क्यों भागा, इसको समझना। तो एक थोड़ा साइंटिफिक चीज है, ज्योग्राफी से आती है, आप सब लोग जानते होंगे, है अल नीनो इफेक्ट। क्या है आप जानते होंगे अल नीनो, अल नीनो और एक और नाम है ला नीनो, ला नीनो, ला नीनो। जब समुद्र के ऊपर अल नीनो धाराएं विकसित हो जाती है, यानी जब समुद्र पर अल नीनो इफेक्ट आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय अल नीनो इफेक्ट जब आता है तो उस समय बारिश औसत से काफी कम हो जाती है। तो जब बारिश एवरेज से काफी कम हो जाएगी तो अकाल पड़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े अकाल पड़े। अब जब अकाल पड़ते थे बेटा, तो उस समय क्या होता था, भाई आप हर साल हमसे बहुत सारा टैक्स ले रहे, लेकिन जब अकाल पड़े हमारे पास कुछ पैदा ना हो, समस्याएं हो, तो उस समय आप हमसे टैक्स मत लीजिए। जैसे अभी देखिए क्या हुआ, अभी जब कोरोना कोविड इंडिया में आया, कोरोना फैला पूरे भारत में, तो जो टैक्स पेयर्स की टैक्स लाइबिलिटीज थी, आप देखिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन डेट्स को बराबर आगे बढ़ाते चले गए, एक्सपेंड करते चले गए, बढ़ाते गए कि अच्छा आप जो है आपको 31 मार्च तक टैक्स भरना था, कोई दिक्कत नहीं, आप 31 जुलाई तक भर सकते हैं। इसके बाद की समस्याएं थी तो उन्होंने कहा आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। उसके बाद समस्याएं थी तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप अगले साल 31 जुलाई तक भर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ने बराबर छूट दी, क्योंकि वो समझ रही थी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी फैक्ट्रियां बंद है, कंपनियां बंद है, दुकानें बंद है, सब कुछ, ना कोई सामान बिक रहा है, सब कुछ सेक्टर के अंदर बंद है, जब कोई चीज ट्रक नहीं चल रहा है, बस नहीं चल रहा है, टेम्पो टैक्सी नहीं चल रहा है, जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो टैक्स कहां से दिया जाएगा भाई, इसलिए उन्होंने बढ़ाया। तो इसका मतलब ये हुआ, समझने की कोशिश करिएगा, कि जब अकाल पड़ते थे बड़े बड़े, दो दो तीन तीन साल पानी नहीं बरसता था, जब समस्याएं होती थी तो उस समय कंपनी को ये चाहिए था कि या तो उसने टैक्स माफ कर देते या टैक्स बहुत कम कर देते, लेकिन कंपनियों ने ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया। उनको अपना पूरा रेवेन्यू चाहिए था, इसके लिए वो क्या करते थे, किसानों की जमीन को छीन लेते थे और छीन कर उस जमीन को बेच देते थे, जिससे उनके पास रेवेन्यू आ जाता था, बल्कि ज्यादा आ जाता था, जिसकी वजह से किसानों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति बहुत सारा डर था, गुस्सा था, जो बाद में उनके लिए ताबूत की कील बनेगा, ठीक है। ये है समस्या, ये बेसिक समस्या थी जो उस समय बहुत ज्यादा थी, इस चीज को समझना, ठीक है। जमींदारी में अंग्रेजों को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो जो टैक्सेशन मेन काम था वो कौन कर देते थे, जमींदार कर देते थे, ठीक है। मैं बात की जरूरत कम जरूरत पड़ रही थी उनको, इसलिए वो चीज को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो चीज और है जो पूछी जाती है वो है सनसेट लॉ, वो क्या है, हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। अल नीनो धारा समझ गए, और ला नीनो क्या है, जब समुद्र के ऊपर, दोनों चीजें लिंक बताई देते हैं, जब समुद्र के ऊपर ला नीनो इफेक्ट डेवलप हो जाता है तो औसत से अच्छी या औसत से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। बारिश इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों जरूरी है, अन्न जो है भोजन जो हम खाते हैं वो सारा खेतों में पैदा होता है, और हमारा देश जो है एक गरीब देश है, दूसरा हमारे देश में मैक्सिमम क्या है, किसान है, समझना इसका, मैक्सिमम क्या है हमारे देश में, मैक्सिमम क्या है, किसान है। तो किसान जो है फूडिंग पैदा करते हैं और फूडिंग को बेचते हैं, उसको बेचते हैं, ध्यान रखिए। तो अगर पानी अच्छा बरसेगा, जल स्तर ऊपर होगा, पैदावार अच्छी होगी, तो
तो जब पैदावार अच्छी होगी तो किसानों के पास सरप्लस मनी, जब सरप्लस मनी उनके पास होगी तो वो उस मनी को क्या करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे, यानी उस मनी को वो बाइक्स खरीदने में, ट्रैक्टर खरीदने में, अपने लिए कपड़े बनवाने में, अपने लिए शूज बनवाने में, घर के बहुत सारे जो सामान होते हैं उनको खरीदने में, टीवी फ्रिज खरीदने में, कुछ लग्जरी में वो खर्च करेंगे आने जाने में। तो जब सरप्लस मनी होगी तो इन जगहों पर खर्च करेंगे। अगर इन जगहों पर वो इन पैसों को खर्च करेंगे तो जो ये कंपनियां हैं ये क्या करने लगेंगी, ये इनके पास एक्स्ट्रा गेन आने लगेगा, यानी इन कंपनियों के मार्जिन, इन कंपनियों की बिक्री, सेल, वो सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, इन कंपनियों को प्रॉफिट होगा। जब इन कंपनियों को प्रॉफिट होगा तो इन कंपनियों के शेयर्स जो मार्केट में लिस्टेड हैं वो शेयर्स वैल्यू बढ़ने लगेगी। जब शेयर्स वैल्यू बढ़ने लगेगी तो इनके मार्जिन बढ़ने लगेंगे। जब वो मार्जिन बढ़ने लगेंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा और लोन लेके उन मार्जिन पर नई कंपनियों को डालेंगे, नई कंपनियों को डेवलप करेंगे। जब नई कंपनियों को डेवलप करेंगे तो वहां पर फिर उनको मैन पावर चाहिए होगी, जिससे नए लोगों को रोजगार मिलेगा। जब नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर एक नई साइकिल चल जाएगी इसी तरीके की। इसलिए यानी कि ये बहुत बेटा जरूरी है कि इस तरीके से साइकिल, इकोनॉमी की साइकिल बोलते हैं इसको, ये साइकिल चलती रहे। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो भी पढ़ रहा है उसको मन से पढ़ो और हर चीज को जानो। ये जरूरी नहीं किया इस फाइव बच्चों का पढ़ रहे तो उसी को पढ़ो, उसके सराउंडिंग की चीजों को समझिए, क्योंकि हर चीज से रिलेटेड है। अभी आपने देखा होगा जब हमारे देश में कोरोना कोविड आया, यानी जब फर्स्ट वेव आई, फिर ये सेकंड वेव आई, तो जब फर्स्ट वेव आई उसके उस समय जो लॉकडाउन थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, और लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक थे। प्रधानमंत्री जी बोले कि घर के गेट को लक्ष्मण रेखा समझो, उसके बाहर मत निकलो, ये सब बोले उन्होंने। तो इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, इकोनॉमी की पूरी साइकिल रुक गई, सब कुछ रुक गया, पूरा सब डेवलपमेंट रुक गया। तो अब इकोनॉमी की जो साइकिल चल रही थी वो रुक गई, तो उसको आप कैसे दोबारा चलाओ, उसके लिए क्या किया, उसके लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी 20,000 करोड़ जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, कितने रुपए दिए, 20,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम, 20,000 करोड़ रुपए जो है वो क्या करिए सिस्टम में डाले। अब 20,000 करोड़ रुपए जो सिस्टम में डाले, इससे क्या होगा भाई, 20,000 करोड़ हमें तो दिए नहीं, आपको तो दिए नहीं, किसी को मिले नहीं, तो सिस्टम में डालने से क्या हुआ उसको समझिए। जैसे सबसे पहली चीज कि जिनके पास जो लोन ले रखा था, जो पैसा ले रखा था बड़ी बड़ी कंपनियों ने, तो उनके जो उन्होंने जो अपनी किस्तें नहीं दे पाई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी कि वो चीजें क्या हो रही थी, एनपीए हो रही थी, वो चीजें क्या हो रही थी, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं दे पा रहे थे किस्त, तो वो एनपीए हो रहे थे। जो मना किया गया कि आप एनपीए के रूल नियम बदल दिए गए कि एनपीए ना हो, और जब इतना पैसा मार्केट में आया, पंप किया गया, अमेरिका ने भी किया, जापान ने भी किया, हर दुनिया की हर बड़ी कंट्री ने पैसा जो है पंप किया, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स मतलब जो है इकोनॉमी में पैसा डाला, मार्केट में पैसा डाला, मार्केट मतलब जो है शेयर मार्केट, ठीक, मार्केट का मतलब कैपिटल में जब पैसा डाला तो क्या हुआ, साइकिल शुरू हुई, यानी जो साइकिल रुक गई थी इतने समय में वो साइकिल फिर से शुरू हुई, और जब एक बार साइकिल शुरू हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर से गेन आने लगती है। और आप देखिए एक एक चीज कही जाती है कि हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई है, तो कोविड आने से हजारों लाखों लोग मर गए देश में, लाखों मर, पता नहीं किनके किनके परिवार के लोगों के साथ छोड़कर चले गए, किसी का बच्चा नहीं रहा, किसी का पिता नहीं रहा, किसी का भाई नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी समस्याएं भी थी, उनका उनके लिए तो ये कार बन रहा है। लेकिन इससे कुछ अच्छाइयाँ भी हुई, अच्छाइयाँ क्या हुई, आज आप देखिए वर्क फ्रॉम होम, जो घर से काम हो रहा है, जो तमाम चीजें और होने लगी, इससे कंपनियों के मार्जिन बढ़ गए, इतना इतना जबरदस्त फायदा कंपनियों को इनसे आ, यानी अब ये फायदा टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट नहीं, भविष्य में भी आता रहेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े प्लेसेस लेती थी, उन पर काम कराती थी, वो अब आपको काम दे देती है, आप अपने घर से करके रहेंगे, आप घर से कर सकते हैं,
आईटी का पूरा काम तो घर से हो सकता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से बहुत सारे काम होने लगे और मार्जिन बढ़ते चले जाने। आज जो शेयर मार्केट इतनी बुरी तरह नीचे गिरी थी, वो उतना पूरा फिर से रीगेन करके उसने उतना और ज्यादा प्रॉफिट में आ गई, यानी आज लगभग 20% जो है एक्स्ट्रा गेन कर बैठे हुए। ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। तो हर चीज के लिए कोरोना की सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो भी पेंडेमिक की वेव होती है, जब ये सब खत्म हो जाएंगे, जब सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तब हम लोग इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि इसके बाद इससे भी कई सारी चीजों को हमने सीखा जाना और भविष्य में उन चीजों को हम लोग सराहेंगे। तो हर चीज से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जमींदारी का मैं क्या था, ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों का पूरा बताया कि जमीन को किराए पर ले सकते थे, जमीन खरीद ले सकते थे, और इसके लिए बाद में क्या प्रॉब्लम हुई कि जो अंग्रेज थे, जो कंपनी थी, वो अगर टैक्स नहीं देते थे, जब बड़े बड़े सूखे पड़ते थे, अकाल पड़ता था, तो उस ड्यूरेशन में ये अपना टैक्स पूरा करने के लिए कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट, अपनी पूरी प्रॉफिट निकाल लेती थी। वो क्या करती थी, कंपनी उठा के सब कुछ बेच देती थी, ठीक है, कंपनी किसानों की जमीन छीन के बेच देती थी और अपना पूरा प्रॉफिट निकाल लेती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नंबर आगे आ जाते हैं, रैयत वाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत वाड़ी सिस्टम, रैयत, किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया।
किया था इसको जमींदारी व्यवस्था को, ये छूट के किसी में बता रहा हूं। और इसको किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो ने और हैंसन ने इसे जो है थॉमस मुनरो ने इसे इंट्रोड्यूस किया 1792 में रैयत वाली प्रथा को शुरू किया गया। और इसे शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो था रीड, कौन था रीड, वो रीड ठीक है, इसको शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, वो था रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रैयत वाली व्यवस्था को शुरू किया। बाद में क्या हुआ उसको समझिएगा, थॉमस मुनरो ने इसे और एनहांस कर दिया ठीक है। ये कब किया था 1820, इसको समझ लो 1820 में थॉमस मुनरो ने इसे और ज्यादा क्या कर दिया, एनहांस अपनी जमीन के मालिक खुद होते थे, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता था जो उसके साथ जमीन का मालिक होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और, इसमें हर 20 से 30 साल में, हर 20 से 30 साल बाद टैक्स रिवाइज हुआ, क्या हुआ था, हर 22-30 ईयर में टैक्स क्या होता था, रिवाइज हुआ, टैक्स क्या होता था, रिवाइज होता था हर 20 से 30 साल में। और मोस्टली 99.99% जब भी टैक्स रिवाइज होता था तो टैक्स क्या होता था, हमेशा बढ़ता था, यानी टैक्स कम नहीं होता, इस बात को समझिए, टैक्स कम नहीं किया जाता था, टैक्स बढ़ाया ही जाता था, ये है। और जबकि जो परमानेंट सेटलमेंट का उसका नाम क्यों है, परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स रिवाइज नहीं होता था, जो टैक्स था वो क्या था, फिक्स था, वहां टैक्स फिक्स है, जबकि रैयत वाले सिस्टम में हर 20 से 30 साल में टैक्स बढ़ता था, और पहले ही सबसे ज्यादा टैक्स है, तो सबसे पहले ही टैक्स ज्यादा है और फिर टैक्स रिवाइज भी होगा हर 20 से 30 साल में, इसलिए पब्लिक के बीच में इसको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। ये कौन सी व्यवस्था थी, रैयत वाली व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था 1792 में शुरू हुई, रीड ने इसको शुरू किया ठीक है। ये 51% ब्रिटिश इंडिया से किया जाता था, दिया जाने वाला टैक्स था, जो इलाका बॉम्बे मद्रास वाराणसी और असम के इलाके थे जहाँ से टैक्स वसूला जाता था, इसमें टैक्स मैक्सिमम था, सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ था, तीनों में, रैयत वाली सिस्टम, महल वाली सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, उनमें सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ था, रैयत वाली सिस्टम में था। इसमें किसान जमीन के मालिक खुद हो गए थे। 1820 में इसे थॉमस मुनरो ने और ज्यादा एनहांस कर दिया, हर 20 से 30 साल में टैक्स जो है रिवाइज होता था और टैक्स मोस्टली बढ़ता था, ये है इसकी प्रॉब्लम ठीक है। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं, महल वाली उसको आप समझिए, हर चीज को एक तरीके से समझते हैं क्या क्या है, ताकि एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो ठीक है। महल वाली सिस्टम, महल वाली सिस्टम, महल वाली सिस्टम जो है, सबसे पहले महल वाली सिस्टम 1822 में हॉर्ट मैकेंजी और रॉबर्ट नॉर्टन बर्ड, 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया महल वाली सिस्टम, 1822 में इसके द्वारा आए हैं, इसको समझिए, इसको कौन लेकर आए थे, तो इसको इंट्रोड्यूस किया है रॉबर्ट मार्टिन बर्ड ने, और जो दूसरा नाम
मैकेंजी हॉर्नबिल, इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। महलवाड़ी सिस्टम को ये लेके आए 1822 में। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक राजा होता था, एक राजा होता था, ये राजा है, ये राजा है या कंपनी, ये क्या है कंपनी के पास, और इसके बीच में एक मिडिल मैन होता है, मिडिल मैन यहाँ पर होता था, एक मिडिल मैन, और उसके बाद ये क्या करता था किसानों से, किसानों से, लेकिन किसानों में बैठे, लेकिन यहाँ जो मिडिल मैन है वो कैसे है, यहाँ पर कई गांव, एक गांव दो गांव तीन गांव चार गांव को मिलाकर ये एक बनता था महल, महल एक महल, तो जो महल बनता था उसके इन्हीं सबके सर्वसम्मत से उसमें एक व्यक्ति चुना जाता था मिडिल मैन, ठीक है, और उसके द्वारा ये इन सबसे टैक्स लेता था, इन सभी गांवों सबसे, और वो किसको टैक्स देता था, वो राजा कंपनी को टैक्स देता था, इन अंग्रेजों को टैक्स देता था, ये सब इस चीज इसमें थी, ये था महलवाड़ी सिस्टम, इसलिए इसको कहा गया है महलवाड़ी सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्या है और कितने परसेंट भाग से, तो ये ब्रिटिश इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये 30% ब्रिटिश इंडिया, 30% ब्रिटिश इंडिया, इंडिया से लिया जाने वाला टैक्स था 30%, इसमें जो पार्ट थे जहां जहां से टैक्स लिया जाता था वो पार्ट कौन कौन से थे, वो पार्ट थे पंजाब, मध्य भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहां कहां से टैक्स लिया जाता था, पंजाब, पंजाब से टैक्स लिया जाता था, मध्य भारत, मध्य भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर उत्तर प्रदेश से ये टैक्स लिया जाता था, कौन सा टैक्स, महलवाड़ी जो था वो पंजाब से, मध्य भारत से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये टैक्स लिया जाता था, 30% भागों से वसूला जाता था, ठीक है, महल और सारे गांव को मिलाकर बनाते थे, महल शब्द कहां से आया इसको आसमान लीजिए, कई गांवों को मिलाकर, गांव को मिलाकर, को मिलाकर कर महल बनता, महल कई गांवों को मिलाकर महल बनता था, बनता कई गांवों को मिलाकर एक महल बनता था, उसी के नाम पर आया है महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक, इसमें भी जो है 20 से 30 साल का टैक्स रिवीजन होता था, इसमें इस व्यवस्था में क्या था 20-30 ईयर में, 20 से 30 साल में क्या होगा, टैक्स जो है वो रिवाइज होगा, यानी टैक्स का रिवीजन होगा, रेवेन्यू का रिवीजन होगा कि 20 से 30 साल, ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बात ध्यान रखना, इसको टेंपरेरी सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेंपरेरी, टेंपरेरी सेटलमेंट मैन, टेंपरेरी सेटलमेंट सिस्टम, सिस्टम कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, टेंपरेरी, टेंपरेरी सेटलमेंट सिस्टम जो है इसका क्या है दूसरा नाम है, इसको टेंपरेरी सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, अब इन सबसे जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई, ये जो अंग्रेजों ने शुरू किया और भारतीयों को प्रॉब्लम ये है बेटा,
कि हम अपना घर बनवाते हैं, वो हमारे पैसे से होता है, लेकिन हम जो घर से बाहर जाते हैं और दुनिया में काम करते हैं, वो जिन सड़कों का यूज कर रहे हैं वो सड़कें कैसी हैं, वो गवर्नमेंट की, उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। हम जिन ट्रेनों का यूज करके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और देश के सारे भागों में जाते हैं, अपनी ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, वो सारा हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। आपके मन में बताया सब उसके लिए तो टिकट का पैसा लगाते हैं, तो क्या आपकी एक टिकट से क्या वो सब चीज़ें डेवलप हो सकती, नहीं, उनके मेंटेनेंस के लिए वो आपसे पैसा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। हम आज अपने घर से चलकर आपकी एक क्लास लेने आए हैं, तो जो 5-7 किलोमीटर की जर्नी करके आए हैं, वो सारी अगर जमीन खरीदी जाए तो अरबों रुपए में है, वो सारी क्या है, गवर्नमेंट की जमीन है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमसे हमारी इनकम पर एक टैक्स लेते हैं, वो अलग अलग है, जो कम इनकम वाली है वो टैक्स फ्री है, जो उनसे ज्यादा है वो 10%, जो उनसे ज्यादा है 20%, जो उनसे ज्यादा है उनसे 30% टैक्स लेते हैं। तो टैक्स हमारे लिए जरूरी है, टैक्स देना अनिवार्य है। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। बस ये है कि गवर्नमेंट जो हमारा पैसा दे उसमें चोरी ना हो, वो पैसा सही जगह पे लगे, देश की सही जगह पे खर्च हो, तो वो तो अच्छी चीज है। लेकिन हमारे देश में टैक्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आज की है, तो उस समय तो लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो वहां उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जो कंपनी के द्वारा इतना इतना टैक्स लिया जाता था, भारी भरकम, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं थी। ऊपर से अकाल अकाल पड़ने में जब और ज्यादा टैक्स लिया जाता था, या उनकी जमीनें छीन कर बेच दी जाती थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होने लगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की इन सभी चीजों को जो उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, यानी जो उनके अगेंस्ट कंपनियां थी, उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां थी जो खुद ब्रिटेन से थी, वो वहां पर उन चीजों को वहां के पार्लियामेंट में, यानी लॉर्ड ऑफ हाउस में और लॉर्ड ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड में तेजी से और जोरों शोरों से उनको उठाती थी, जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ, 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या आने लगे, एक्ट आने लगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसके बाद बराबर एक्ट आए, फिर इसमें जो कमियां रही थी उनको दूर करने के लिए 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 93 में एक्ट आया 1793, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया, चार चार्टर एक्ट आए 2020 ईयर के अंदर पर आए हैं। यानी इस तरीके से काम हो रहा था। इतना सब कुछ विरोध होने के बाद भी काफी दिनों तक कंपनी का फेवर वहां के सारी लोगों के द्वारा किया गया। ये है पूरा बेसिक फंडामेंटल सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से आप अंग्रेजी शासन में भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी इस तरीके से लैंड रेवेन्यू जोड़ा जाता था। तो मेनली क्या क्या था, सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था, इसी को बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था महलवाड़ी व्यवस्था, तीसरा था कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्थाएं थी, इस तरीके से जो है पूरा पूरा टैक्सेशन होता था। और इसके आगे जो कल क्लास होगा वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे।